बैब उनका पर्सनल मसला है। अगर वो सानिया मिर्जा शोएब मलिक पे इल्जाम लगा रही है तो वो बोलो भाई हमें नहीं पता ये इल्जाम सही है गलत है, अगर सही भी है गलत भी है तो जब अलग ही हो गए तो अब जो मर्जी करो भाई, तो प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है ना, क्या हो गया उसको। ऐसा ईमान कुफर का मसला, इंडिया पाकिस्तान की जंग गोया हो गई है, हम थानिया मिर्जा के साथ हैं, दूसरा कह रहे हम शोएब मलिक के साथ हैं। मुझसे पूछो, मैंने कहा मैं किस दोनों के साथ हूं, क्या ख्याल है भाई। दो तीन दफा अलहदगी की बात हुई तो लड़की के अब्बा ने मुझसे कहा कि मैं इस शर्त पे अपनी बीवी को, अपनी बेटी को भेजूंगा, ये गारंटी ले कि जो है जैसी है ये बर्दाश्त करेगा। तो मैंने कहा देखें ये बात तो मैं नहीं कर सकता उससे कि गारंटी ले, तो क्योंकि जो है जैसी है कि इसका मतलब तो बहुत मफहूम बहुत वसी हो जाएगा ना, ये तो कुछ भी करती रहे बैठ के, कहीं ना कहीं किसी को पाबंद होना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो मुतालबा ही गलत है आपका, इसको भी कुछ शराइत और उसको भी कुछ शराइत पे आना पड़ेगा। ना हम औरत को ये मशवरा देंगे कि मियाँ जो है जैसा है बर्दाश्त ही करना है, ना हम मर्द को मशवरा देंगे कि जो है जैसी है, ये कहने की बातें होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका वजूद नहीं होता। मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इससे यही होगा, तभी ये जो लोगों के यहां तलाकें होती है ना, मैं इनसे बदगुमान नहीं होता। अभी वो शोएब मलिक और सानिया मिर्जा में भी तलाक हुई है ना, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा क्लिप बनाओ क्लिप बनाओ, ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने कहा क्या क्लिप बनाए, नॉर्मल है भाई, कभी मियां बीवी में बनती है कभी नहीं बनती, तो जब बनती है तो इकट्ठे रहते हैं, नहीं बनती तो तलाक हो जाती है। कौन सा इतना बड़ा तूफान हो गया यार, इसको इतना मीडिया पे उछाला क्यों जा रहा है, नहीं है मेरा ख्याल बात समझ। उसको ऐसा ईमान कुफर का मसला, इंडिया पाकिस्तान की जंग गोया हो गई है, हम थानिया मिर्जा के साथ हैं, दूसरा कह रहे हम शोएब मलिक के साथ हैं। मुझसे पूछो, मैंने कहा मैं किस दोनों के साथ हूँ, क्या ख्याल है भाई, भाई नहीं हूँ ये तो। अब उसमें ना शोएब मलिक का मैं समझता हूँ कसूर है, ना सानिया मिर्जा का कसूर, तो जब पता चलेगा जब दोनों के घंटों पूरी तकरीर सुन के फैसला करेगा गलती किसकी थी। नॉर्मली क्या है, बाज दफा दोनों की गलती नहीं होती, फिर भी नहीं बनती दोनों में, क्या है। दूसरी बात ये, अगर शोएब मलिक गलत था या सानिया मलिक गलत थी तो करना क्या, जब अलहदा हो गए तो अब जो मर्दी गलत था तो वो जाने अल्लाह जाने, क्या ख्याल है। ये गलत सही की बहस तो जब होगी जब दोनों मियां बीवी के तौर पे रह रहे हो। फिर सानिया मिर्जा मुझसे, सानिया मिर्जा नाम है ना, सानिया मिर्जा मुझसे राबता करके कहती शोएब मलिक मेरे हुकूक अदा नहीं कर रहा, मुझसे राबता नहीं करती तो फिर मैं इस बहस में नहीं पड़ता। मुझसे कोई कहते शोएब मलिक ये कर रहा, मैं कहना भाई वो जो कर रहा है वो उसकी बीवी जाने और सानिया मिर्जा जो कर रही है वो उसका शोहर जाने, मुझसे थोड़ी उन्होंने बाप बना के पूछे रहे कि हम कौन सही है कौन गलत है। कितनी भी कंप्लेन मियां बीवी की आए ना, बोलो इनका पर्सनल मामला है, जब ये हमारे पास फैसला लाएंगे फिर हम फैसला करेंगे, जब तक मेरे पास नहीं है तो वो मियां बीवी भाई तू जो मर्जी करे, ये हमारा हेडिक बोलो ना, उनका पर्सनल मामला है। अभी एक झगड़ा हुआ दो ताजरों में, बहुत बड़ा झगड़ा ना, एक कह रहा है मैं ऐसा, वो कह रहा है फलाना वैसा, मैं चुप करके बैठा हूं ऐसे बिल्कुल इंजॉय कर रहा हूं ना, ऐसे बिल्कुल है, क्योंकि मैं टेंशन क्यों ली तुम्हारे झगड़े की, भाई झगड़ा तुम्हारा है, मैं एकदम तैश में आ जाऊं, तू गलत है तू गलत है। तो मुझे कहने लगे आप बताएं कौन सही है इसमें, मैंने कहा आप लिख के दें रिटर्न में ना कि मुफ्ती साहब हम दोनों का झगड़ा है, आप जो फैसला करेंगे ना फिर हम उसको मानेंगे, ये लिख के दें, फिर मैं दोबारा से आप बाप आपका झगड़ा सुनना शुरू करूंगा। अभी तक तो मैंने इसको, क्योंकि मेरे अपने गम कम है जो मैं तुम्हारे गमों को लेके यार बैठा रहा हूं पीसीओ मसाइल है मेरे साथ। आज ना लोगों के पास फारिग टाइम बहुत है, सानिया मिर्जा शोएब मलिक, अबे उनका पर्सनल मसला है। अगर वो सानिया मिर्जा शोएब मलिक पे इल्जाम लगा रही है तो वो बोलो भाई हमें नहीं पता ये इल्जाम सही है गलत है, अगर सही भी है गलत भी है तो जब अलग ही हो गए तो अब जो मर्जी करो भाई, तो प्रोग्राम बढ़ गया, ठीक है ना, क्या हो गया। तो जब थे तो उस वक्त तो मियां बीवी के मामलातों, ये बुजुर्गों के यहां भी तलाकें हो सकती हैं, मुफ्तियों अल्लाह ना करे, हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है हमारा घर सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कोई अचंभे की चीज नहीं है कि हजरत जी फलां बुजुर्ग थे उन्होंने बीवी को तलाक दे दी, लो अपना घर तो बसा नहीं सकते, दूसरों को मशवरे देते हैं, नहीं भाई ये नेचुरल है ये नॉर्मल है। अगर औरत नहीं संभल रही है तो शोहर नहीं संभाल सकता उसको, दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ। एक झगड़ा मेरे पास आया, बहुत बड़े आलिम थे बुजुर्ग थे उनका अपनी बीवी से झगड़ा, नौजवान आलिम थे, बहुत बड़े तो नहीं कहना चाहिए लेकिन अच्छे संजीदा आलिम थे और तखवा था उनमें, उनका झगड़ा चल रहा था बीवी से, दो तीन दफा अलहदगी की बात हुई
तो लड़की के अब्बा ने मुझसे कहा कि मैं इस शर्त पे अपनी बीवी को, अपनी बेटी को भेजूंगा, ये गारंटी ले कि जो है जैसी है ये बर्दाश्त करेगा। तो मैंने कहा देखें ये बात तो मैं नहीं कर सकता उससे कि गारंटी ले, तो क्योंकि जो है जैसी है कि इसका मतलब तो बहुत मफहूम बहुत वसी हो जाएगा ना, ये तो कुछ भी करती रहे बैठ के, कहीं ना कहीं किसी को पाबंद होना पड़ेगा। मैंने कहा ये तो मुतालबा ही गलत है आपका, इसको भी कुछ शराइत और उसको भी कुछ शराइत पे आना पड़ेगा। ना हम औरत को ये मशवरा देंगे कि मियां जो है जैसा है बर्दाश्त ही करना है, ना हम मर्द को मशवरा देंगे कि जो है जैसी है, ये कहने की बातें होती हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका वजूद नहीं होता। तो इसलिए घरों में भाई हम तो कभी उल्टा पर हमने दावा ही नहीं किया है कि जो है ना वो पता नहीं कौन सी दुनिया में, भाई जब दो शादियां होती हैं तलाक के चांसेस कम होने के बजाय बढ़ते हैं, उसमें तीन में और बढ़ते हैं, चार में और बढ़ते हैं, समझते हो, क्योंकि झगड़ों का इम्कान बढ़ मेरे नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, लेकिन बढ़ सकते हैं, अल्लाह ना करे कभी भी बढ़े, उम्मीद भी नहीं है इंशाल्लाह, लेकिन सब कुछ हो सकता है भाई। हम इसी दुनिया में रहते हैं, रोटी खाते हैं, गुस्सा भी आता है, क्या ख्याल है, मैं भी गलत हो सकता हूं, घर में भी कोई गलत हो सकता है। मैंने कोई गारंटी ली कि मेरे ऊपर मोहर लग गई है क़यामत तक मैं नेकी रहूंगा? किसी का कोई भरोसा नहीं है भाई दुनिया में। तो आप इस्लाम का फलसफा पेश करो, इस्लाम में चार शादियां हैं औरतों का घर बसाने के लिए, इस्लाम गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूं भाई, समझते हो कि नहीं समझते, मैं गलत सही भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं कि गलत हो, तो आप गलत हो सकते हो, सही भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो हम अपनी बात कर ही नहीं रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात। तो मेरा भी घर में झगड़ा भी हो सकता है, ऊंची आवाज में बात भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, औलाद भी बिगड़ सकती है, अल्लाह ना बचाए इस औलादों को बिगड़ने से, कल अल्लाह ना करे कोई बच्चा बिगड़ गया, लोग कहेंगे देखो 16 बच्चे थे, ये होता है एक बिगड़ गया, दो बिगड़ गए, अल्लाह ना करे बिगड़े, भाई ये नेचुरल है ना, बच्चों का आप तरबियत की फिक्र करते हैं, 100% तरबियत की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, वो एक में भी बिगड़ने का चांस है, दो में भी चांस है, तो ये सब चीजें नेचुरल हैं। तो इंसान के बच्चे बन के जिंदगी गुजारो, बहुत बड़े बड़े दावे करने की कतान जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहो। मौलाना शफी थानवी का मलफूज याद रखो, वो फरमाते थे लोग मेरे पास आते हैं बुजुर्ग बनने के लिए, मैं कहता हूँ इंसान बन जाओ बस काफ़ी है। तो इंसान नॉर्मली होते हैं, दौड़ते भी हैं, चलते भी हैं, उनको गम भी होता है, उनको खुशी भी होती है, जब भूख लग रही हो और नली निहारी सामने आ जाए तो खुशी से बेहोश होने का भी उनका खतरा होता है, भूख में उनको गुस्सा भी आता है, और अगर भिंडी के साथ करेला पका के उनको खिलाया जाए तो कितना ही बड़ा बुजुर्ग हो उसको मजा आएगा करेला खाने में। और जितनी चीजें हैं जल्दी जल्दी बता दूं ना मैं, और नॉर्मल होते हैं, यानी कोई बुजुर्ग कोई अलग सी चीज नहीं होता, अगर है तो फिर वो बुजुर्ग नहीं है, वो ऊपर से क्या है फारिग, उसकी सेटिंग आउट हुई भी है। तो नॉर्मल रहा करो और कोशिश भी करो नॉर्मल बनने की, कोई अलग सी कोई फिल्म बनने की कोशिश ना, फूंको वाली सरकार बनने की कोशिश करो, नॉर्मल रहो।